श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। सुना शीर सत सरिस तो संकट करें विलास, परम प्रबल रिपोशेष पर तदपि सोच न त्रास। वो यानी रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि राम सरीखा अत्यंत बलवान शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अतिवीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रभ्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुबीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देकर तातारो किस लय तो मन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मदल मृगशाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीश कपीस उचंगा, वाम दहिन दिशे चाप निशंगा, दूकर कमल सुधार सुपाना, कहलंकेश मंत्र लगी दाना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं, विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य से नर यही ध्यान जे रहत सदा लैलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सब ही देखो सती मृगपति सरित असंग। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि,
मत नाग तम कुंभ विदारी शशि के सरी गगन बन जारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। विदुरे नभ मुकुताहल तारा नित सुंदरी केर सिंगारा कह प्रभु शशि महु में जगताई कहो का निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनो रघुराई शशि महु प्रगट भूमि कही साई मारे राहु शशि कह कोई पुर में परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहे जब विधि रतिंक कीना सार भाग शशि कर हरि लीना छिद्र सो प्रकट केंद्र और माही रही मग देखियऊ नभ परिचाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चन्ना का सार भाग निकाल लिया जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया परंतु चन्ना के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चन्ना के हृदय में वर्तमान है जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज और दीन बसेरा विष संयुत कर निकर पसारी जारत विरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चन्ना का बहुत प्यारा भाई है इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वो वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहे हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तब मूरति विदुर बसति सोई श्याम दास। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए चन्ना आपका प्रिय दास है आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चन्ना के हृदय में बसती है वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के बचन सुनी बिह से राम सुजान दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निदान। पवन पुत्र हनुमान जी के बचन सुनकर सुजान श्री राम जी हसे फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले बोलिए क्या कति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की।